यह कहानी आपको गौतम बुद्ध भगवान की मैं सुना रहा हूं। थोड़ी सी बात है, जरूर सुने। एक बार गौतम बुद्ध भगवान एक गांव में क्रोध के बारे में उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि क्रोध वो तेजाब है, जिस तेजाब को अगर दूसरे व्यक्ति पर फेंका जाए तो उसे नष्ट करने से पहले वह उस पात्र को नष्ट कर देता है जिसमें वह रखा है। क्रोध में बहुत बड़ी घटना घट सकती है। क्रोध को जितना हो सके अपनी काया में दफन कर लो, भगवान का सुमरण करो, क्रोध को त्याग दो। क्रोध के बारे में बहुत से उपदेश गौतम बुद्ध दे रहे थे। तभी सभा में से एक आदमी क्रोध में बोला, अरे ढोंगी, इतने अच्छे अच्छे उपदेश तू दे रहा है, तू इन बातों का पालन करता है क्या? गौतम बुद्ध भगवान चुप रहे। उस व्यक्ति ने बहुत बातें बुद्ध भगवान को सुनाई और गौतम बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर थूक देता है और कहता है तू ढोंगी है। गौतम बुद्ध भगवान ने अपना मुंह पोंछ लिया। जो उसने थूका था, गौतम बुद्ध भगवान ने अपना मुंह को साफ कर लिया और गौतम बुद्ध भगवान ने उससे कहा कि आपको कुछ और कहना है। वह व्यक्ति और क्रोध होकर अब्द शब्द कहकर वहां से चला गया। गौतम बुद्ध दूसरे गांव में सत्संग करने चले गए। वो व्यक्ति जब उसके घर गया, उसने विचार किया कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, वो गौतम बुद्ध को ढूंढने लगा। यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, लेकिन गौतम बुद्ध भगवान तो यहां से वहां, वहां से वहां सत्संग करते रहते थे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद ये कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं दंड का भागी हूं, मुझे दंड दीजिए। गौतम बुद्ध की ये बात सुनना, गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि आप कौन हो? वह यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने कल आपके मुंह पर थूक दिया था। बुद्ध भगवान ने कहा, मैं आपको जानता ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि आप यह बात को कैसे भूल सकते हैं, आपके साथ इतना बुरा हुआ है, कैसे भूल सकते हैं? गौतम बुद्ध भगवान ने बहुत शुभ उपदेश उसे दिए हैं जो अति सुंदर है, आप जरूर सुने। गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि जो कल हमारे साथ घटना घट गई, जो कल हमारे साथ बुरा हुआ, जो होता चला आ रहा है, उसका ही हम सोच करेंगे, विचार करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए जो हुआ, जो होना था वो हो गया, उसका दुख मत मनाओ, आगे की कुछ सोचो। हम हमारे दिमाग में अगर पुरानी बातें और पुराने दुखों को घुमाते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में। जो हुआ उसे तुरंत भूल जाओ और किसी ने अपराध किया तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ो, कर्मों की सजा देने वाला वही है। तो जीवन में जो हुआ उसका पश्चाताप करना छोड़ें, दुख मनाना छोड़ें, शोक करना छोड़ें, क्योंकि विधि का विधान कोई नहीं डाल सकता है। इस बात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप श्री राधे राधे जरूर लिखें। जय बुद्ध भगवान की जय हो।